आज दोस्तों आपको कचौड़ी की एक ऐसी रेसिपी दिखाता हूँ जो आपने ऑनलाइन कहीं नहीं देखी होगी। इस रेसिपी में एक एक कचौड़ी आप खुद ही देख सकते हो, सारी की सारी फूली फूली बनकर आएगी। ऐसी टेक्निक्स करेंगे कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी कचौड़ी हमेशा बढ़िया बनेगी। और तो और दोस्तों, ये कचौड़ी मैदे से नहीं बनी है, ये 100% गेहूं के आटे से बनी है। आप इसको आराम से बना सकते हो और आप खुद ही देखो कितनी खस्ता और करारी है। इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कचौड़ी बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप देख सकते हो कि मैदे और गेहूं के आटे में जो फर्क है वो ये है कि मैदा काफी फाइन पिसा होता है, वो ब्लीच्ड होता है तो पानी भी जल्दी पीता है, लेकिन गेहूं का आटा हल्का सा दरदरा होता है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हमें रेसिपी को थोड़ा सा बदलना होगा। आप यहाँ पर नमक डालना, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून तक अजवाइन डालना और पहले इनको अच्छे से मिला देना ताकि एक एक कोने तक नमक फैल जाए। फिर आपने यहाँ पर मोइन डालना है, कई लोग इसको खस्ता भी बोलते हैं। बेसिकली आपने घी डालना है, तेल का यूज मत करना है इस रेसिपी में, यहाँ पर देसी घी ही डालना। मैंने यहाँ पर लगभग 5 टेबलस्पून देसी घी डाला है। और सबसे पहला काम आटा लगाते वक्त ये है कि आपको घी को एक एक कोने में अच्छे से फैलाना है। तो मैं तो ऐसे रबिंग वाली टेक्निक करता हूँ कि दोनों हाथों में ऐसे मल देता हूँ जिससे कि जो मोइन है वो अच्छे से एक एक कोने में फैल जाता है। अब आप सोच रहे हो कि भरत भाई ऐसे मोइन फैलाते ही क्यों है, क्या फायदा होता है उसका? घी पहले डालने का फायदा ये होता है कि जो घी का टेम्परेचर है पकते वक्त वो ज्यादा होता है दोस्तों पानी से, और ऐसे ज्यादा टेम्परेचर में पकने की वजह से लेयर्स बनकर आती है जिसको आप बोलते हो कि कचौड़ी खस्ता है, और यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कचौड़ी बनाते वक्त। तो इसलिए ये स्टेप सही से करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि कचौड़ी एकदम खस्ता बने। अब आप यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी डालना, और कचौड़ी बनाते वक्त 2 बातों का ध्यान हमेशा देना चाहिए। पहला तो ये है कि कचौड़ी का आटा हमेशा नरम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी डाला है, लगभग आपको 1.25 से 1.5 कप पानी लग जाएगा इतना आटा लगाने में। आप देख सकते हो काफी ज्यादा पानी है। अगर मैं आपको वेट से बताऊं, 300 ग्राम आटा है और लगभग 210 ग्राम मैंने पानी डाला है, यानी कि 70%। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आटा सही से लगाने की, कि आपकी कचौड़ियां बिल्कुल ना फटे और फूली फूली बने, तो वो ये है दोस्तों कि आपको 10 मिनट तक इस आटे को मलना बहुत जरूरी है। आटे में लचक होनी बहुत जरूरी है। आप अभी देखो, अभी लचक बिल्कुल नहीं है आटे में, अभी काफी कड़ा है आटा, लेकिन मैंने घड़ी का टाइमर भी लगाया है और 10 मिनट तक लगातार अच्छे से मला है इस आटे को। फिर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है ढककर गीले कपड़े से मिनिमम आधे घंटे के लिए। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल मसाला रखा है मैंने दोस्तों। आप पैन में तेल डालना, थोड़ी सी हींग डालना, हींग के साथ जीरा, और ये है हल्का सा कुटा धनिया के दाने। सारी कुकिंग यहाँ पर दोस्तों लो फ्लेम पर करना, हाई फ्लेम पर मत करना, नहीं तो जलने के चांसेस हो जाएंगे। इसी टाइम पर आप हरी मिर्चें डाल देना और 1 बड़ा चम्मच तक बेसन डालकर आराम आराम से भुनना शुरू करना। बेसन यहाँ पर सही से भुनना बहुत जरूरी है ताकि वो आलू का जितना पानी है ना उसको एब्जॉर्ब कर पाए। मैंने यहाँ पर हल्दी और लाल मिर्च भी डाल दी है। और थोड़ी देर भुनने के बाद 2 बड़े साइज के आलू मैंने लिए हैं, उबले हुए हैं ये, और उनको घिस कर डाल दिया है मैंने। और अब आप यहाँ पर गरम मसाला डाल देना, धनिया पाउडर डाल देना, भर के काली मिर्च डाल देना, और ताकि आलूओं से इनका पानी सारा निकल जाए यहाँ पर नमक डाल देना। ध्यान रहे दोस्तों कचौड़ी के अंदर जो मसाला है उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मिर्ची होनी चाहिए ज्यादा, नमक होना चाहिए तेज, तभी तो कचौड़ी के अंदर तक टेस्ट आएगा, नहीं तो जब आप इसको रैप करोगे तो फीकी फीकी सी कचौड़ी लगेगी। अब बस 2 मिनट तक आप भुनना जब तक आलूओं से काफी पानी रिड्यूस नहीं हो जाता, और जैसे ही पानी रिड्यूस हो जाए तो आप 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच तक अमचूर डाल देना, हल्की सी खटास भी आएगी तो अच्छा लगेगा और काला नमक से बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आ जाएगा। ये देखो आलू का मसाला भुन के पूरा तैयार है, बस आप गैस को बंद कर देना और ये स्टेप जरूर करना ताकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा ना वो भी निकल जाएगा। आलू को ऐसे पेस्ट सा बना देना और इसको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना गैस पर, ज्यादा देर मत रखना नहीं तो स्किन बन जाएगी, बस इसका मॉइस्चर निकालना है और फिर आप यहाँ पर इसको एक बोल में ट्रांसफर कर देना ताकि ये पूरा ठंडा हो जाए। पूरा ठंडा हो जाना चाहिए दोस्तों ये मसाला, लगभग 15 से 20 मिनट में आराम से हो जाएगा और उतनी देर में आपका आटा भी सेट हो जाएगा।
और अब आते हैं मेन पार्ट पर। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कचौड़ी कैसे बांधे कि फटे बिल्कुल भी ना। फ्राई करते वक्त कई बार ये दिक्कत आ जाती है, तो ये आप ध्यान से देखना। दोस्तों कुछ नहीं करना, आप बस आलूओं की छोटी छोटी बॉल्स बना लेना। मेरे पास लगभग 300 ग्राम तक आलू का मसाला बना था, तो मैंने यहाँ पर 30 ग्राम की एक बॉल बनाई है, यानी कि मेरी इस रेसिपी से 9 से 10 मीडियम साइज की कचौड़ी आराम से बन जाएगी। इतनी देर में आटा जो है उसमें बहुत लचक आ जाएगी दोस्तों। अब आप खुद ही देखना, आटा ऐसा होगा जैसे ढल चुका होगा, जैसे बेड पे हम लेट के सो रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। आराम कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए दोस्तों आपको, एकदम नरम नरम, सॉफ्ट सॉफ्ट। अगर ये आटा थोड़ा भी टाइट होगा ना, तो फ्राई करते वक्त कचौड़ियाँ आपकी फट जाएंगी, ध्यान देना इस बात का दोस्तों। बांधने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आप बस एक लोई लेना, मेरी जो एक लोई है वो लगभग 50 ग्राम के आसपास है, और 10 लोइयां बनी है मेरी इस रेसिपी से। आपने बस इस बात का ध्यान देना है कि साइडों से आपने सबसे पहले इस आटे से एक कटोरी बनानी है, लेकिन जो कटोरी है ना उसमें सेंटर में थोड़ा सा आटा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए। अब क्या करना है कि वो जो मसाले की बॉल थी वो आप लेना और उसको ऐसे बीचों बीच करना, और इनको अपनी पहली उंगली और अंगूठे से उठाना शुरू करना साइड से। ये देखो मैं आपको मोशन भी दिखा रहा हूँ कैसे है, उंगली और अंगूठे को आपने ऐसे चलाना है और धीरे धीरे करके आपने सील करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ये सही से जुड़ेगा बिल्कुल भी नहीं और फ्राई करते वक्त फट जाएगा। तो धीरे धीरे सील करना कि जब आप ऐसे मसलोगे अपने अंगूठे से और उंगली से, तो वो अपने आप ही पूरी तरीके से जुड़ जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा आटा होगा आप उसको निकाल देना। ये देखो आप ऐसे, ये जो एक्स्ट्रा आटा है ना ये बहुत काम आता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर। अब जो जॉइंट है आप उसको अच्छे से प्रेस कर देना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आपने जॉइंट किया है वहीं पर प्रेस करना, ताकि वो जॉइंट एकदम जुड़ जाए। और अब आपने सबसे पहले सेंटर से दबाना है। सेंटर में दबाने से क्या होता है कि सारा मसाला साइड में चले जाएगा और आपकी कचौड़ी एकदम सही से फूलेगी। अगर मसाला सही से फैला नहीं होगा, या कहीं पर आटा ज्यादा होगा या कहीं पर मसाला ज्यादा होगा, तो कचौड़ी अनइवन फूलेगी। बस इस बात का आपने ध्यान देना है। और जहां से आपने कचौड़ी को जोड़ा था ना, वही वाली साइड पहले आपने तेल में डालनी है। ये बहुत काम की बात है दोस्तों। रही बात वो जो एक्स्ट्रा आटा था ना, तो उसका क्या करना है, उसको आप नई वाली लोई में डालना एकदम बीचों बीच, और वो जो हमें बीच से उठाना था ना कटोरी बनाते वक्त, वो ये एक्स्ट्रा आटा ऑटोमेटिकली कर देगा, तो ये भी आपका काम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आपकी कचौड़ी एकदम फूली फूली बने और एकदम परफेक्ट बने, तो फ्राई करते वक्त कुछ बातों का ध्यान आपको बहुत देना है। कचौड़ी आपको गरम तेल में नहीं डालनी है दोस्तों, कचौड़ी आपको ठंडे तेल में डालनी है। तेल बहुत गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तेल 110 डिग्री के आसपास होना चाहिए, यानी कि ऐसा कि कचौड़ी में हल्के हल्के बुलबुले आए, लेकिन वो बिल्कुल भी फ्राई ना हो। ऐसा इसलिए है दोस्तों, नहीं तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल कच्ची बनकर आएगी, सही से बिल्कुल नहीं पकेगी। तो गलती से भी हाई फ्लेम पर मत डालना, और कोशिश करना कि ज्यादा कचौड़ी अपनी कढ़ाई पर डालो, ताकि उसके जो हीट है वो ज्यादा बिल्कुल ना बढ़े और कचौड़ी एकदम आराम से लो फ्लेम पर सही से पक पाए। और पहले पहले आप ज्यादा कचौड़ी को स्टर मत करना, क्योंकि शुरुआत में आटा काफी नरम होता है ना, तो निशान आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर सारी फ्राइंग लो फ्लेम पर करी है, जिससे कि कचौड़ी धीरे धीरे करके अपने आप ही फूलने लग जाएगी। बस आपने धीरे धीरे इन कचौड़ियों को पकाना है, लगभग 20 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। बस धीरे धीरे इनको पकाना, अच्छे से जब तक कलर नहीं आता तब तक आप इनको पकाना। और दोस्तों एकदम बढ़िया, एकदम फूली फूली कचौड़ी बनकर आपको मिलेगी, है ना दोस्तों, बिल्कुल बाजार जैसी। आप ऐसी कचौड़ियां बनाकर देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और जो त्योहार का सीजन आ रहा है ना, ये कचौड़ियाँ आपके बहुत काम आएंगी। ये जो त्योहार का सीजन आ रहा है ना दोस्तों, तो ये आटे की कचौड़ी आपके बहुत काम आएगी, और कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये आटे से बनी हुई है। आटे की ऐसी और रेसिपीज देखने के लिए आप इन वीडियो पे क्लिक करना, आपके बहुत काम आएंगी।